जनपद मुजफ्फरनगर के कचहरी स्थित रागड़ विहार दलित समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। धनगर पाल समाज द्वारा SC/ST के प्रमाण पत्र बनवाने के विरोध में प्रदर्शन। दलित समाज के लोगों ने कहा कि हम किसी को अपना अधिकार नहीं छीनने देंगे। दलित समाज ने कहा कि अगर जिला प्रशासन द्वारा धनगर पाल समाज के प्रमाण पत्र बनाए गए तो वो करताल पर बैठेंगे। दलित समाज के लोगों ने जय भीम के नारे भी लगाए और ज्ञापन और प्रदर्शन के दौरान दर्जनों दलित समाज के लोग मौके पर मौजूद रहे। आज ATM कार्ड लाए हैं, किस संबंध में हैं, क्या मामला है? आज जो है हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी 10-15 दिन पहले गडरिया बिरादरी के लोग, पाल समाज के लोग DM साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए थे और असंवैधानिक रूप से उन पर दबाव देकर धनगर जाति का प्रमाण पत्र जो SC में आता है उसका प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दबाव दिया। हम उसका विरोध करने के लिए आए हैं और पूरा समाज साथ है, क्योंकि धनगढ़ बिरादरी है, वो धनगढ़ नहीं है, वो UP की जो जाति की लिस्ट है उसमें धनगढ़ है, धनगर नहीं है। जो धनगर है वो सोनभद्र में रहता है, ये संविधान में भी लिखा हुआ, SC/ST एक्ट जो SC एक्ट है उसमें भी लिखा हुआ कि धनगर बिरादरी केवल सोनभद्र के एक विशेष क्षेत्र में रहती है, उन्हें धनगर का सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है। जो UP स्टेट के अधिनियम आए हैं, जो उन्होंने लाभ भेजा है, उसमें भी कहीं धनगर बिरादरी का जिक्र नहीं कि मुझे फड़नगर या पश्चिम में कहीं धनगर रहता हूँ। ये धनगढ़ बिरादरी भी SC की लिस्ट में 27वें नंबर पर यूपी स्टेट के, पाल बघेल गडरिया ये SC की जो बैकवर्ड की लिस्ट है 15 नंबर पर। तो हम वो दबाव नहीं आने देंगे और ना ही हम फर्जी सर्टिफिकेट बनने देंगे। लगातार OBC मोर्चा हो, चाहे धनगढ़ समाज हो, पाल समाज हो या दलित समाज हो, प्रमाण पत्र को लेकर एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं जो जिस बिरादरी का उस बिरादरी का सर्टिफिकेट मिले, ना कि दूसरी बिरादरी का सर्टिफिकेट लेकर अनुचित लाभ लोग उठावे। क्या लगता है कि आपका SC/ST का जो लाभ वो छीनना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, वे छीनना चाहते हैं, तभी तो इतना प्रयास किया जा रहा है। किस तरह का विरोध आगे फिर चलकर होगा? ये चलता रहेगा, अगर इसमें प्रशासन ने कोई भी सर्टिफिकेट जारी किया तो हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल मजबूर हो जाएंगे। और ये जो धरना प्रदर्शन, आज तो ज्ञापन है, अभी तो ये अंगड़ाई है ज्ञापन के माध्यम से, फिर आगे लड़ेंगे।